हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम हैं महिंद्रा के यार्ड में एंड हमारे पास जो गाड़ी है रिव्यू के लिए वो है स्कॉर्पियो क्लासिक एंड सबका फेवरेट मॉडल S11। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी चाबी से। चाबी आपको कुछ ऐसी मिलती है, पीछे महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पर ये फ्लिप की गली बटन, जैसे आप इसको प्रेस करोगे चाबी बाहर आ जाएगी। ये हो गई आपकी लॉक बटन, ये हो गई अनलॉक बटन एंड ये आप जैसे ही बीच में जो बटन दी गई है अभी आपने देखा साउंड क्रिएट कर रही थी, ये फाइंड माई कार बटन है। कहीं पार्किंग में या कहीं भीड़ वाले एरिया में आपको कार नहीं मिल रही तो जैसे ही आप दबाएंगे कार नॉइस क्रिएट करने लगेगी अलॉन्ग विद दी हज़ार्ड इंडिकेटर्स, तो उससे आप जाके देख सकते हैं आपकी गाड़ी कहाँ पार्क्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी से। तो सबसे पहले इसका इंजन ओपन करते हैं। इंजन ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे ये लीवर दिया गया है, इसको आपको यहाँ से प्रेस करना है, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे जो लीवर दिया गया है ये प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से अलग से कोई भी हुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी हाइड्रोलिक स्टड्स दिए गए हैं दोनों साइड, तो ये बहुत ही रेयर गाड़ी में आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोनों साइड आपको इसमें स्टड्स मिल जाएंगे। इसके बाद इसके इंजन की बात करें तो 2.2 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन आपको इसमें मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है 130 HP एंड 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स में मूव करते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइट बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आपको DRLs मिल जाती हैं। ये जो प्रोजेक्टर है ये लो बीम के लिए है एंड हाई बीम के लिए आपको मिलेगा नॉर्मल हेलोजन बल्ब। साथ ही में आपको इसके साथ एक पार्किंग लैंप भी मिल जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे DRLs मिल जाएंगी एंड ये मिल जाएगा आपको फॉग लैंप। उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपको टोइंग हुक, सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट मिल जाएगी। दोनों ग्रिल्स के सेंटर में जो दिया गया है वो है ब्लैक मैट फिनिश एंड ये 6-slot ग्रिल अलॉन्ग विद दी महिंद्रा लोगो। ये न्यू लोगो है जो आपको पैसेंजर व्हीकल्स में मिलता है एंड पुराना वाला जो लोगो है कुछ ऐसा आता था पहले, वो अभी भी आपको कमर्शियल व्हीकल्स में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद यहाँ सेंटर में आपको नंबर प्लेट के लिए देखने की जगह मिल जाएगी। मूव करते हैं इसके अदर पार्ट्स पे। यहाँ पे आपको वॉशर दिया गया है, एक सिंगल वॉशर है पूरे ग्लास एरिया के लिए जिसमें आपको दो वाइपर दिए गए हैं। ऊपर आपको देखने के लिए FM एंटीना मिल जाएगा। बात करते हैं इसके अलॉयज की, तो जो इसका साइज़ है टायर साइज 235/65 R17, तो 17 इंचज़ का कुछ इसमें सेटअप दिया गया है जो कि डायमंड कट में फिनिश्ड है। अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएगा एंड यहाँ पे मिल जाएंगे आपको 5 nuts, बीच सेंटर में आपको मिल जाएगा महिंद्रा का लोगो। यहाँ पे नीचे इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 209 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो फेंडर पे इसका इंडिकेटर दिया गया है एंड साइड मिरर आपको कुछ ऐसा दिया गया है। इंडिकेटर यहाँ पर है तो साइड मिरर में इसको इंटीग्रेट नहीं किया गया है। इसके बाद यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ से आपको साइड मिरर्स को कंट्रोल करने के लिए जगह दिया गया है। ये फोल्डेबल नहीं है, ऑटो फोल्डेबल, बस आप इसको राइट और लेफ्ट करके मिरर की सेटिंग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो स्कॉर्पियो की बैजिंग जो फिनिश्ड है सिल्वर में, जो कि ऐसा पार्ट ऑफ क्लैडिंग है जो कि स्टार्ट होता है फ्रंट डोर से एंड रियर डोर पे जाके ख़त्म होता है। इसमें आपको चढ़ने के लिए फुट स्टेप्स भी दिए गए हैं। बात करते हैं इसके रियर टायर की। सेम सेक्शन जो आपको आगे देखने के लिए मिलता है वही सेक्शन आपको रियर में भी मिलने वाला है, बस डिफरेंस ये है कि आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं एंड पीछे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके रियर सेक्शन की। रियर सेक्शन में यहाँ आपको दिया गया है वाइपर, यहाँ पर डिफॉगर भी दिया गया है एंड ये हो गया आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप। ऊपर आप देखेंगे तो आपको उसमें स्पॉइलर दिया गया है और स्पॉइलर में ही वॉशर को इंटीग्रेट किया गया है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये डोर हैंडल हो गया, यहाँ पर आपको चाबी का एक्सेस भी दिया गया है बूट ओपन करने के लिए अलग से। सेंटर में यहाँ महिंद्रा का लोगो हो जाएगा। साइड में सबकी फेवरेट बैजिंग स्कॉर्पियो क्लासिक S11 एंड यहाँ पे हिंजेस दिए गए हैं, तो आप इसको ऐसे ओपन करोगे तो कुछ ऐसा देखने के लिए बूट मिल जाएगा इसमें। तो इसके डोर की बात करें तो डोर में आपको यहाँ अंदर से ओपन करने के लिए भी हैंडल दिया गया है एंड लॉक बटन भी दी गई है। ये हो गया आपका ग्रैब हैंडल, ये यहाँ पे वॉशर सिस्टम इंटीग्रेटेड है तो उसका कवर है ये। नीचे हो गए आपके दो स्पीकर्स। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टोइंग हुक दिया गया है। नीचे मिल जाएंगे आपको दो रिफ्लेक्टर्स। ये चढ़ने के लिए फुटस्टेप दिया गया है रियर पैसेंजर्स के लिए एंड ये जब सीट्स फोल्ड हो जाएंगी तो उसके बाद जो आपको बूट स्पेस देखने के लिए मिल रहा है उसकी कैपेसिटी है 460 लीटर्स की। यहाँ पे ये बेल्ट सिंपल दिए गए हैं, इसको आप ये ऐसे हटाना है एंड ये जो इसमें हैंडल दिया गया है इसको ऐसे करके आप इस सीट को एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं अगर आपके पैसेंजर्स ज़्यादा हैं, पैसेंजर्स नहीं हैं इसको ऊपर करके आप इसको बंद कर सकते हैं। एंड इसमें आपको यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, एक ओपनर आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलता है एंड एक ओपनर आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ किस ओपनर में आपको क्या मिलने वाला है।
तो हम दोनों ओपन कर देते हैं। पहले मैंने इसको ओपन कर दिया, ये हो गया ओपन। अब मैंने यहाँ से दूसरे वाले को ओपन कर दिया। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसमें क्या मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका नॉर्मल डीजल टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 60 लीटर्स की। एंड उस तरफ मैं दिखाता हूँ वहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एडब्लू DEF जिसको डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड भी बोलते हैं, यहाँ पे वो दिया गया है। ये जो नए जितने भी नए डीजल इंजन हैं BS6 वाले महिंद्रा के, आपको सब में ये देखने के लिए मिलने वाला है। अब इसके इस तरफ वाले सेक्शन बताता हूँ मैं आपको। जो इसके सबसे पीछे वाले ग्लासेस हैं इनको आप अंदर से ओपन कर सकते हो। तो ये जो यहाँ से सटा हुआ है यहाँ से इतना करीब ओपन हो जाता है ये, बट इसको आप ओपन करेंगे तो गाड़ी में धूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा अंदर आएगी अपने यहाँ कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद कुछ ऐसी है साइड प्रोफाइल, मैंने जो उस तरफ आपको समझाया वही सेम चीज़ यहाँ भी मिलने वाली है। ऊपर आपको यहाँ रूफ रेल्स मिल जाएंगे। उसके बाद फिर टेल लैंप कुछ ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे, ये पूरा एज अ रिफ्लेक्टर काम करता है। यहाँ पे आपको एक में इंडिकेटर मिल जाएगा, एक में रिवर्स लाइट मिल जाएगी, एंड बाकी ये जो डी शेप में है दो आपको नॉर्मल पार्किंग लाइट्स मिल जाएंगी। इसके बाद मूव करते हैं इसके इंटीरियर पे। इसके इंटीरियर पे मूव करते हैं, सबसे पहले ड्राइवर सीट। ड्राइवर सीट में आपको यहाँ पे ये हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, एंड ये जो लीवर दिया गया है वो टिल्ट एडजस्टमेंट के लिए दिया। तो इसमें बैठते हैं एंड ड्राइवर डोर पे आप देखेंगे ये एक लीवर मिल जाएगा डोर ओपन करने के लिए। ये हो गया आपका डोर का लॉक। ये ब्लैक फिनिश में एक पट्टी दी गई है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच दिया गया है, कपड़ा लगाया गया है। एंड यहाँ पे चार पावर विंडोज़ दिए गए हैं जिसमें कि ड्राइवर वाले में ऑटो लिखा हुआ है। इसके बाद ये हो गया आपके पावर विंडोज़ का लॉक। ये हो गया आपका ग्रैब हैंडल। नीचे आपको छोटा सा स्टोरेज स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा अलॉन्ग विथ ये थ्रेड कुछ डॉक्यूमेंट्स होल्ड करने के लिए। एंड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्पीकर। उसके बाद नीचे यहाँ देखेंगे तो ये मैनुअल मॉडल है, तो ये हो गया एक्सेलेटर, ब्रेक, क्लच, एंड वहाँ पर आपका हो गया डेड पेडल। यहाँ पे मिरर के एडजस्टमेंट बता चुका हूँ। ये हेडलाइट लेवलर हो गया, ये फ्यूल का लिड ओपन करने के लिए, एंड ये डिफॉगर का कंट्रोल हो गया। इसके बाद इसका स्टीयरिंग, स्टीयरिंग लॉक है, मैं स्टीयरिंग को अनलॉक करता हूँ। मैंने स्टीयरिंग को किया है अनलॉक एंड गाड़ी स्टार्ट नहीं है, तो स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड रहेगा मूव करने के लिए। इसको मैंने कर दिया है मूव। एंड सबसे पहले आप स्टीयरिंग पे देखेंगे तो आपको ये नया वाला लोगो महिंद्रा का यह मिल जाएगा। एयरबैग एंड हॉर्न दोनों यहीं प्लेस्ड हैं। पियानो ब्लैक फिनिश में ये इंसर्ट दिया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। राइट साइड में आपको सारे क्रूज से रिलेटेड कंट्रोल्स, लेफ्ट में हो गए आपके कॉलिंग एंड मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स। इसके बाद ये लीवर जो है ये आपका वाइपर का कंट्रोल दिए गए हैं। इस तरफ वाले जो कंट्रोल्स हैं रियर वाइपर के हैं, एंड ये वाले जो कंट्रोल्स हैं वो फ्रंट वाइपर के हैं। राइट साइड में आप देखेंगे तो फॉग लैंप एंड हेडलाइट के कंट्रोल आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। मीटर की बात करें, इसको ऑन करता हूँ मैं। मीटर ऑन होने के बाद कुछ ऐसा देखने वाला है आपको। लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा RPM मीटर, राइट साइड में आपको दिखेगा स्पीडोमीटर। सेंटर में आपको गियर इन्फॉर्मेशन, इंजन का टेम्परेचर, ऑडो सेटिंग्स वगैरह काफ़ी कुछ यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ से इसको बटन्स को प्रेस करेंगे तो ये देखिए चेंज होती हुई चीज़ें दिख रही हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं। गाड़ी अभी नई है तो सिर्फ 10 किलोमीटर चली हुई है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। ये मटेरियल जो है उतना ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक भी नहीं है, बट सॉफ्ट भी नहीं है, थोड़ा डिसेंट इसको मेंटेन करने की कोशिश की गई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड बीज और ब्लैक में ये इंटीरियर अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको दो AC वेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो आप प्लेयर देख रहे हैं ये कंपनी फिटेड प्लेयर है, 9 इंचज़ का साइज़ है। एंड इसमें आपको सारे बेसिक ब्लूटूथ ऑक्स वगैरह वाले कनेक्शन मिल जाते हैं, नेविगेशन सिस्टम दिया गया है। एंड इसमें आप कुछ ऐप्स के थ्रू अपना एंड्रॉयड फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं इजिली। बाकी नीचे आप देखेंगे तो ये AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें ऑटोमेटिक AC दिया गया है, आपको सिर्फ ये ऑटो प्रेस करना है एंड अपना टेम्परेचर सेट करना है जो भी है। जैसे कि अभी मैं 20 कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ये सारे मोड्स खुद एडजस्ट कर लेगा एंड ऑटोमेटिक AC उस हिसाब से खुद ब खुद काम करने लगेगा। उसके बाद नीचे आपको ये हज़ार्ड बटन देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो बटन दिया गया है ऑटो स्टार्ट स्टॉप, तो जैसे ट्रैफिक में आप रुकते हैं गाड़ी न्यूट्रल करके क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी खुद से बंद हो जाएगी, एंड जैसे ही आप क्लच प्रेस करेंगे गाड़ी वापस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये कुछ एडिशनली वुडन फिनिश का टच दिया गया है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आता है। इसके गियर लीवर की बात करें तो 6-speed गियर बॉक्स फ्रंट में एंड एक रिवर्स हो जाएगा आपका। यहाँ पे दिया गया है आपको छोटा सा चार्जिंग स्लॉट। ये हो गया आपका मोबाइल होल्डर, आप इसको कह सकते हैं, उसके लिए ग्रिप दी गई है। यहाँ पे दो छोटे होल्डर्स एंड ये हो गया आपका हैंड ब्रेक। इसकी सीट्स की बात करें तो गाड़ी बैठने में काफ़ी कम्फर्टेबल है एंड सीट्स में ये देखिए आप एडिशनली थाई सपोर्ट दिया गया है, तो आप कितना भी लॉन्ग जर्नी से उसमें ट्रैवल कर रहे हैं थकान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। बात करते हैं इसके पैसेंजर साइड की डोर की। एक पावर विंडोज़ का कंट्रोल, ग्रैब हैंडल, दरवाज़ा ओपन करने के लिए नॉब, उसके साथ लॉक भी दिया गया है एंड वो साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्पीकर।
यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग, वहाँ पे स्कॉर्पियो की बैजिंग, वो हो गया आपका एसी वेंट एंड ग्लव बॉक्स, कुछ इसका आपका ऐसे मिल जाएगा जिसमें भी मैनुअल वगैरह रखी गई हैं। ऊपर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये छोटे छोटे जितने भी वेंट्स दिए गए हैं ये आपका एज अ फ्रंट डिफॉगर काम करते हैं। ये जो मिरर है ये पूरा मैनुअली एडजस्टेबल है, इसका डे एंड नाइट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, बट इसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे अगेन आपको छोटा सा स्टोरेज दिया गया है, ये सनग्लास होल्डर हो गया आपका, लाइट्स वगैरह आपको यहाँ नहीं यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे एंड एक और जो लाइट्स हैं वो आपको पीछे देखने के लिए मिल जाएंगी। सनवाइज़र की बात करें तो पैसेंजर वाले सनवाइज़र में आपको मिरर देखने के लिए मिल जाएगा एंड ड्राइवर वाले सनवाइज़र आपका प्लेन रहने वाला है। ये हो गया आगे की चीज़ें, अब मूव करते हैं इसके रियर सेक्शन पर। रियर सेक्शन में सबसे पहले डोर पे आपको यहाँ एक नए टाइप का कुछ होल्डर देखने के लिए मिलेगा। ये हो गया आपका दरवाज़ा ओपन करने के लिए लॉक बटन, यहाँ पे हो गया पावर विंडोज़ की कंट्रोल, ग्रैब हैंडल एंड ये हो गया आपका बॉटल होल्डर। सीट्स कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाती हैं, सीट्स मैं फिर से कहूँगा काफ़ी कम्फर्टेबल सीट्स हैं। ये हो गया आपका आर्मरेस्ट रियर पैसेंजर्स के लिए एंड दो बड़े हो गए आपके हेडरेस्ट। हेडरेस्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा दिया गया है तो बहुत ही कम्फर्टेबल हैं ये। आपको यहाँ बैठने के बाद मैं बताता हूँ, जैसे कि मेरी हाइट 6 फीट 2 इंचेस है, उसके बाद भी मुझे थाई सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा थाई सपोर्ट मिल रहा है एंड हेडरूम भी काफ़ी शानदार है, तो इसमें बैठने में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रियर एसी वेंट मिल जाएंगे आपको दो रियर पैसेंजर्स के लिए एंड इसके थ्रू आप उसका फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया आपका छोटा सा स्टोरेज स्पेस। सेम चीज़ें आपको इस दरवाजे मिल जाएंगी जो कि मैंने आपको यहाँ बताई हैं। सीट बेल्ट मिल जाएंगे आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे। इसके बाद आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे, ड्राइवर छोड़ के सारे पैसेंजर्स के लिए आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ तक कि रियर पैसेंजर्स के लिए भी एक ग्रैब हैंडल वहाँ से दिया गया है जिसके थ्रू आप गाड़ी में इजीली क्लाइम कर सकते हैं। तो ओवरऑल कुछ ऐसी डिटेल्स थी इस स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में S11। इसके एक्स शोरूम की बात करें तो 17.42 एक्स शोरूम जबलपुर, एंड आपको महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट लेना है यहाँ जबलपुर से या इसके आसपास से तो आप स्टार ऑटोमोबाइल्स विजिट कर सकते हैं जिनने मुझे ये गाड़ी प्रोवाइड की है। तो स्टार ऑटोमोबाइल्स के पास आपको सारे महिंद्रा के मॉडल्स अवेलेबल हैं, जो भी आप लेना चाहें यहाँ विजिट कर सकते हैं एंड काफ़ी अच्छा आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा इनमें। तो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।